व्याप्यलोकान् भुक्त्वा भोगास्तविष्टान् पुनरपि हिषन्तान् कामजन्यान् पीडिता सर्वान् विशेषान् सकृते मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परमामृतं ब्रह्मयत्तं नतोऽस्मि। अंतिम जो लास्ट श्लोक है उसको आपको बोलना है। लास्ट में जो हम लोग प्रणाम मंत्र बोलते हैं तीन, उसमें अंतिम मंत्र का अर्थ यद प्रज्ञान लोकाभाषा यद प्रज्ञान लोकाभाषा, जिनके ज्ञान की आलोक के आभास के द्वारा लोकाभाषा आलोक है प्रज्ञालोक आलोक आलोक तो लोक भाषा ना ना प्रज्ञा लोकाभाषा संदेह वहाँ पे ज्ञान की आलोक आलोक मतलब ज्ञान उज्जवल प्रकाश के द्वारा तृतीय एक बचन प्रतिहति अमगमत नाश हो गया। क्या नाश हो गया? शांत मोहांधकार हमारे अंदर जो अविवेकात्मक मोह था वो नाश हो गया। अगमत या आगमत? अगमत प्रतिहति अगमत आ तो वहाँ पे मोह में तो आकार की मात्रा ही नहीं और ही है प्रतिहति अगमत शांत मोहांधकार। ओ कौन हूँ मैं बोलते हैं जो मैं मच्छ उन्मच्च घोरे बार बार डूबना उठना मच्छ उन्मच्च घोरे ही अशक्ति उपजन उदनवती त्रास ने मेरी इस प्रकार की त्रास को रक्षा करने में जो जिसके फलस्वरूप हो पाया कौन सा त्रास थे जो मैं बार बार जो है संसार रूपी सागर में जन्म के ग्रहणों के द्वारा बार बार खींचा जा रहा तो करोड़ प्रणित अशक्ति अनेक बार उपजन इकट्ठा किया गया उदनपति जो समुद्र रूपी संसार समुद्र में उससे बचाने के त्रास है नहीं उस त्रास से रक्षा किया जो मज्ज उन्मज्ज घोरे मैं बार बार संसार रूपी सागर में डूब रहा था उठ रहा था इस अभी जो है क्या हो गया उस व्यक्ति की जो पीड़ा था वो शांत हो गया। केवल इतना ही नहीं केवल अमल ही नहीं यद पादो आश्रिताना जिनकी चरण जुगल को जो कोई भी आश्रय किया उन आश्रय करने वालों का श्रुति सम विनय प्राप्ति अग्राही अमोघा। श्रुति में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस गुणों को अथवा जिस योग्यता को कहा गया है उनके चरण को आश्रय करके वो योग्यता अपने आप आ जाता है केवल मेरे लिए नहीं सभी के लिए। जब पादो जो उसने भी उस चरण को आश्रय किया जब पादो आश्रितानम मद इतरेशम अपि मत हमसे भिन्न का भी श्रुति में कहा गया समुदम श्रद्धा समाधि प्रतिदीक्षा केवल इतना ही नहीं विनय मतलब नम्रता वैराग्य प्राप्ति अग्राही अमोघा ये अमोघा मतलब क्या अवश्य रूपे मतलब जो आपको फल देने वाला निश्चित फल देने वाला कभी व्यर्थ नहीं होगा जिसकी चरण युगल को आश्रय करने का फल स्वरूप श्रुति में उपनिषद तत्व को समझने के लिए जिस गुणों को कहा उस गुण आता है और जो व्यर्थ नहीं जाता जो कभी व्यर्थ नहीं होता तत्पादो उन चरण जुगलों को ये द्वितीय दिवचन पावनीय सारे संसार को पवित्र करना भव भय विनोदो संसार जन्म मृत्यु रूपी जो डर है उससे छुड़ाने वाला सर्वभावी हर प्रकार से जितने प्रकार से हमारा संभव है नमस्कार ठीक है। जब प्रज्ञा लोकाभाषा प्रतिहति अगमत शांत मोहांधकार मज्ज उन्मज्ज घोरी यशकृत उपजन उदनवती त्राशने जब पादो आश्रितानाम जब पादावाश्रितानाम श्रुति सम विनय प्राप्ति अग्राह्यमोघा तत्पादो पावनीय भव भय विनदो सर्वभावे नमस्ते। यहाँ पे ही आया हुआ है हमने लोग एवं का अर्थ है और यहाँ पे ही आया क्योंकि मैं बार बार डूब रहा था उस समय। अब जय प्रसंग से हम लोग अथर्ववेदीय
मांडुक उपनिषद के वैतथ्य नामक द्वितीय प्रकरण के ऊपर विचार किया। तो मतलब इसके पहले आगम प्रकरण में जगत में पारमार्थिक कथा नहीं है इस चीज को श्रुति वाक्य के आधार पर समझाया गया। आप क्या कहना चाहते हैं, इसी को युक्ति के द्वारा पुष्ट करना चाहते हैं। इसलिए पहले जिस युक्ति के द्वारा मतलब अनुमान के माध्यम से पुष्ट करना चाहते हैं, अनुमान में मतलब अनिवार्य रूप में आपको एक सामान्य ऐसा दृष्टांत देना पड़ेगा जहाँ पे कोई चीज़ लागू हो रहा है। तो जागतिक वस्तु में मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए जो हम लोगों सभी व्यक्ति का अनुभव में आता है कि स्वात्मिक वस्तु जो है पारमार्थिक सत्य नहीं है, तो ऐसा पहले प्रतिज्ञा करते हैं। देखो स्वप्न मिथ्या है, क्यों मिथ्या है, एक नंबर क्योंकि अयोग्य देश में दिखाई पड़ते हैं। पूरा काल जितना दिखाई पड़ता है अयोग्य काल भी वहाँ पे कोई संभाव्य प्रमाण भी नहीं है, और जिन लोगों के बारे में कहता हूँ वो मुझे समर्थन भी नहीं करते। पहले चार उसके बाद दिखाया था वो जो वस्तु परिच्छिन्न आदि अंत वाला होता है वो शास्त्रीय दृष्टि से उसको मिथ्या कहा था, अद्यंत वस्तुआ एक हेतु दिया था। अब जब ये हेतु आपने दिए थे तब एक बात कहते हैं कि आदि अंत वाला होने से मिथ्या है ये नहीं है, आपका अनुमान सही नहीं है। आपका अनुमान में उपाधि दोष लिया था, उपाधि उपाधि मतलब क्या, आपकी व्याप्ति में सिद्ध व्याप्ति यथार्थ नहीं है। अपने क्या क्या जहाँ जहाँ आद्यंतवंत वहाँ 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 मिथ्या, परंतु ये नहीं है जो अपनी प्रयोजन को मिटा नहीं पाता वो मिथ्या, जहाँ सब प्रयोजन होता नहीं है वो यथार्थ नहीं है, ऐसा करके पूर्ववादी शंका उठाएंगे। तो वेदांती बोल आप एक चीज, आप उपाधि लगना का प्रक्रिया क्या है कि आपको दृष्टांत में बैठना चाहिए और पक्ष में नहीं बैठना, साध्य व्यापक सती साधन अव्यापक, जहाँ साध्य हो वहाँ पे बैठना चाहिए, जहाँ साधन है वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, अव्यापक। तो यदि आपको उपाधि, यदि आपको अनुमान में कोई उपाधि दोष देती है तो उपाधि लगी गलत है, ये उपाधि सही नहीं, इसको दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इस साधन के साथ जो अव्यापक होना चाहिए था व्यापक हो गया, साधन के साथ मतलब साधन के साथ उपाधि व्यक्ति लागू हो जाता है, इसलिए आपका जो उपाधि दिया ये उपाधि सही नहीं है, ये कथन करने के लिए अगला अंग है। देखिए यहाँ पे टीका का अगला सब अब कितना शुरू होगा हमारा, सात नंबर से शुरू होगा। तो यहाँ पे यह बोल रहे हैं टीकाकार अगला स्वप्न उपाध्याय है, स्वप्न से मिथ्यात्व अद्यंत वत्वात् न भवति किंतु फल पर्यंतत्व अभावात्। ये ध्यान देना इसको, स्वप्न मिथ्या है, ये जो आपने कहा स्वप्न से मिथ्यात्व अद्यंत वत्वात् वो आदि अंत वाला है इसलिए नहीं है, तो क्या है, क्योंकि स्वाप्निक वस्तु हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता, ये क्योंकि फल काल पर्यंत रहता नहीं है, इसलिए बता स्वप्न से मिथ्यात्व अद्यंत वत्वात् न भवति किंतु फल पर्यंत तो अभावात्, जब तक फल दिन है तब तक वो नहीं रहता है, इस कारण से और जागृत से फल पर्यंत जागृत में जो वस्तु दिखाई पड़ता है वो फल पर्यंत रहता है, इसलिए वो जो है जागृत मिथ्या नहीं है, जागृत से फल पर्यंत न मिथ्यात्व, जागृत में मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा कोई बात ही शंका कर रहे हैं। उसके उत्तर में भारतीय आचार्य बोलना स्वप्रयोजन, यहाँ पे देखिए चार नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ती है, फल पर्यंत अभाव। देखो आद्यंत चार नंबर टीका है, फल इत्यादि फल पर्यंत अव्यवहित उत्तर काले यस्य इति विग्रह, मतलब फल जहाँ पे उत्पन्न होता है, खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको तृप्ति होता है अव्यवहित उत्तर काल, वहाँ तक तो शाप्निक वस्तु नहीं रहता, इसे बोलते हैं फलम पर्यंत अव्यवहित उत्तर काल, मतलब अव्यवहित उत्तर काल पर्यंत भी फल जहाँ पे निदस्य फलम न भवति उसके, इस प्रकार से फल मन फल पर्यंत तो अभावा, इसका अर्थ करते हैं उसका आगे जो उत्तर काल, आपने इस वस्तु को देखा अगला क्षण में वो वस्तु आपका काम में आएगा कि नहीं निश्चित नहीं है, अव्यवहित उत्तर काल मतलब व्यवधि उत्तर काल में तो है ही नहीं, अव्यवधि उत्तर काल में नहीं काम, लेकिन सपने जिस समय टूट जाए कोई नहीं दिखाई देगा, प्रयोजन सिद्ध नहीं, ये मुख्य रूप से यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। हाँ पहले जो हम जो अनुमान किए थे वहाँ पे क्या बोले थे, यत्र यत्र अद्यंत मतलब तत्र तत्र मिथ्या, परंतु ये बोलते हैं अद्यंत मतलब यत्र यत्र फल पर्यंत अभावत्व तत्र तत्र मिथ्या, ये कहना चाहते हैं सब मनुष्य का वस्तु से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं।
तो ये होता, आप देखिए हमारा जब व्यक्ति में दोष दिया, हमने क्या व्यक्ति दिखाया था कि जहाँ जहाँ आद्यंत बंध वहाँ वहाँ मिथ्या, और वो हमारे व्यक्ति में क्या नहीं नहीं जो फल सिद्ध नहीं कर सकता वो मिथ्या बोल रहा है। तो हमारे अनुमान में ये उपाधि हमारा अनुमान क्या था, जागृत मिथ्या आद्यंत वत्वात् स्वप्नवत्, ये हमारे मुख्य अनुमान था। अब स्वप्न में जो सब प्रयोजनीयता भी नहीं है, मतलब दृष्टांत में बैठ गया, और जागृत में सब प्रयोजनीयता का अभाव है, मतलब वहाँ सब प्रयोजन सिद्ध होता है, जब जागृत में फल पर्यंत तो अभाव का अभाव है, फल तो क्या हो जाएगा उनके उनके मत के अनुसार क्या हो, आपका अनुमान में जो है उपाधि पुरुष का प्रसिद्ध साध्य व्यापक सति साधन अव्यापक हो गया उपाधि का परिभाषा। साध्य का व्यापक को देखने के लिए दृष्टांत में साध्य बैठे वहाँ उसको बैठना चाहिए, और साधन अव्यापक देखने के लिए क्या करने पर पक्ष में साधन अब हेतु को दिखाओ, साधन मतलब हेतु, हेतु जहाँ बैठा हुआ वहाँ पर उसको नहीं बैठना चाहिए, इसलिए दृष्टांत में बैठना चाहिए, पक्ष में जो शॉर्टकट में हम उपाधि को लगाना चाहते, अथवा हम क्या साध्य व्यापक साध्य का मिथ्यत्व ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि जहाँ जहाँ मिथ्या है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है फल पर्यंतत्व अभाव साध्य का व्यापक हो जाएगा, जहाँ फल पर्यंतत्व अभाव हुआ वो वहाँ पर मिथ्या हो गई, और जहाँ पे फल पर्यंत तत्व के अभाव नहीं है तो मिथ्या भी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे इसको मन में रखते हुए इसे कुछ टेक्निकल टर्म यहाँ पे आएगा, और कुछ नहीं विषय वस्तु तक को समझ में आ रहा है, विषय वस्तु समझने में कोई कठिनाई नहीं है, कि जो वस्तु हमारी प्रयोजन को सिद्ध कर पाता है वो सच है, और जो प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता है वो झूठ है। ये जो आपने कहा कि वो आदि अंत वाला होने के कारण झूठ है, ये बात नहीं है, इसलिए ये कारण है कि वो हमारे प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता, ये पूर्ववादी कहना चाहते हैं। इसका उत्तर में बहुत पता चल क्या बोलते हैं, देखिए सब प्रयोजनता जो प्रतीक है श्लोक में आएगा, सप्रयोजनतातेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृतः स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते सुतः, क्योंकि स्वप्ने तेषां स्वप्रेण स्वप्रयोजन जनता विप्रतिपद्यते, विपरीत भाव को प्राप्त कर लेते हैं, विपरीत देखा जाता है, क्योंकि हेतु दे रहे हैं इस प्रकार की जो शंका उठाया, शंका के उत्तर शंका पक्ष क्या बोलते हैं पूर्ववादी कि जो है उसके प्रयोजनीयता सिद्ध नहीं होता, तो बोलते हैं सपने तेषाम स्वप्रयोजनीयता विप्रतिपद, जागृत के पदार्थ में स्वप्रयोजनीयता नहीं कर सकता, क्योंकि स्वप्न में जो है वो क्या होता है कि विपरीत भावना दिखाई पड़ते हैं, विपरीत भावना मतलब जैसा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा स्वप्न में ऐसा नहीं है। पूर्ववादी की प्रश्न के उत्तर में आपने बोला जागृत वस्तु आपका प्रयोजन को सिद्ध करता है, परंतु आपने ठीक से विचार ही नहीं किया, जागृत वस्तु ठीक भी थोड़ा सा जागृत वस्तु जो है हमारा यथार्थ विचार करके आप देखेंगे जागृत वस्तु जागृत काल में प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता है, स्वप्न की बात तो दूर है, जागृत काल में जागृत वस्तु जागृत काल में अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता, थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए सामने होने पर भी जिस प्रयोजन से आप उस वस्तु को अथवा व्यक्ति को आपने पाला था पोषा था रक्षा किए थे तो क्या होता है वो आपका प्रयोजन समय आने पर सिद्ध नहीं करता। अब और देखिए मजे की बात देखिए, हमने घर में खाना पीना खा के निकले घर से, अब रात में दिल्ली आदि शहरों में देखेंगे गर्मी के समय क्या होता है कि लोग थोड़ा बाहर टहले निकलते हैं खा पी के निकले, अब बाहर कोई चाट वाला अथवा आइसक्रीम वाला, जबकि घर वाले बोलते हैं और लो एक रोटी और ले लो अब तुम्हारा काम पूरा खा लो, नहीं नहीं पेट भर, बाहर आती वो चाट वाला देख करके अथवा आइसक्रीम वाला देख करके कहाँ से भूख लग जाती, यानी कि जो जागृतकालीन वस्तु आपको प्रयोजन को मिटा रहा था वो देखो बाहर कोई वस्तु को देख करके उसको प्रयोजन नहीं था, सब प्रयोजन तो ना हो, एक नहीं कई दृष्टांत आप देखें, कई दृष्टांत आप देखें, घर में बोला खाना खुना खाया तो फिर ठीक से पानी पी ठीक है भाई पी लिया, बाहर आते कोको कोला बोतल सामने दिखाई दे
मिल जाता तो अच्छा होता। तो ये देखिए, ये जो प्रयोजन है यदि पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया होता तब आपको क्यों या फिर जो है आपको ये मतलब आकांक्षा की मत, यानी कि हमारे प्रयोजन को मिटा नहीं। कोई भी वस्तु को देखिए, आप एक भावना को लेकर के लाएंगे मतलब आप सोचते हैं कि पूर्ण रूप से आपका आपका अनुकूल होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ तो डिमिनेट रहेगा, आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं कर। वो व्यक्ति में देखिए, वस्तु में देखिए। आज किसी व्यक्ति को हमने अच्छी तरह से पाला पोषण बड़ा किया, बड़ा होने के बाद वो हमारा काम नहीं आता, वो सोचता रहे क्यों। कोई आप केवल इतना ही नहीं, मान लीजिए आपने संस्कार पूर्वक जैसे गायत्री आदि को छोटे बच्चे को दिया, बड़ा हो गया पिताजी बोलते हैं एक थोड़ा बैठ कर गायत्री जब कर, क्या आप मेरे को 200 साल पहले खींच रहे हैं, थोड़ा सा जो मॉडर्न न्यूज उस देख लेते हैं। तात्कालिक जो प्रयोजनीयता तो मिटाता है, चलो स्वाप्निक वस्तु भी तात्कालिक प्रयोजनीयता मिटाता है। स्वप्न में भी जब आप खाएंगे तब आपको लगेगा कि मैं खाया पेट भर गया, परंतु उठ के आपको भूख, ऐसे ठीक खा पी के सोया, अभी बोले खा पी के सोया, पेट भर के खा पी के सोया, हो सकता है उस खाने का कारण ही गैस होकर के स्वप्न देखेंगे क्या कि मैं 7 दिन से नहीं खाया, भूखा घूम रहा हूँ। यही तो होता है, इसलिए कोई प्रयोजन पे जब बोल रहे हैं सिद्ध नहीं। जागृत वस्तु जागृत काल भी अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता, स्वप्न में तो काम में ही नहीं आता, स्वप्न में तो काम ही नहीं आता। इसी प्रकार स्वाप्निक वस्तु स्वप्न काल में प्रयोजन को सिद्ध करता, जागृत में काम नहीं आता, दोनों में एक ही समान धर्म बैठा बस के दोनों ही मिलता है, ये हमने कहा था। इसलिए स्वप्रयोजनता तेषाम स्वप्ने विप्रतिपद्यते, मतलब तेषा मतलब जागृत भावाना स्वप्ने स्वप्रयोजनता विप्रतिपद्यते, स्वप्न काल में देखो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं करता। जागृत वस्तु का संस्कार हो सकता है स्वप्न देखने में मदद करे, किंतु जागृत कोई वस्तु आपको स्वप्न काल में मदद करने वाला नहीं। देखो आँख बंद करके सोते शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब वहाँ पे आपका जो इंद्रिय ग्रहण करने, नया इंद्रिय बना लेते हैं, नया शरीर बना लेते हैं, नया विषय बना लेते हैं, सब कुछ नया। जागृत कोई वस्तु आपको प्रयोजन सिद्ध नहीं करता, इसीलिए तस्मात अज्ञात वर्त, इसीलिए वो आदि अंत वाला होने के कारण मिथ्या ही वो निश्चित ही मिथ्या है। खलु एक बार खलु निश्चित ही मिथ्या होता है, ते मतलब जागृत भावा स्मृता ऐसा विद्वान लोग स्मरण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, पहले भाष्यकार को देख लेंगे। ते कौन सा प्रयोग, ते प्रथम बहुवचन, ते जागृत भावा, जब भावा पुल्लिंग है भावा, इसलिए ते प्रथम बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, तेषाम कौन सा षष्ठी बहुवचन, तेषाम भावाना, ये तत्पद का ही प्रथम बहुवचन ते और तत्पद का षष्ठी बहुवचन तेषाम सब प्रयोजन। आप देखिए भाष्यकार क्या बोलते हैं, स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्याणाम अपि असत्यम इति यद उक्तम तद अयुक्तम। ये पूर्ववादी बोल रहा है, ये जो आपने कहा स्वप्न दृश्य वस्तु के समान जागृत में दिखाई दे रहा वस्तु भी सत्य नहीं है, ये जो आपने कहा ये यथार्थ नहीं है, ये सही नहीं है। पूर्ववादी बोल रहे हैं, पूर्ववादी क्या बोलते हैं, स्वप्न दृश्य वस्तु वादी दृष्टांत दिया था, जागृत दृश्य जागृत दृश्य असत्यम स्वप्न दृश्य वस्तुवत, ठीक है ना, जागृत में दिखाई दे रहे जो वस्तु वो सत्य नहीं है। इस प्रकार जो आपने कहा था जैसा स्वप्न में नहीं सह सकता, ये जो आपने कहा था जब उत्तम तद अयुक्तम, आपका ये कहना युक्तिसंगत नहीं है। क्यों, आप जागृत और स्वाप्निक वस्तु में भिन्नता को समझने का कोशिश करो। पूर्ववादी मतलब एकमात्र वेदांतियों को छोड़ करके सारे आस्तिक दर्शन, वेदांतियों को छोड़ करके सारे आस्तिक दर्शन जो है ये जो है जगत को तो अनित्य माना, मिथ्या तो किसी ने नहीं माना, बल्कि लोग यही बोलते हैं आपने जो है स्वप्न और इस जागृत की भिन्नता को आपने नहीं समझ पाए, उसका अपने पक्ष को पुष्ट कर, जस्मात अपने पक्ष को पुष्ट करने के पूर्ववादी बोल रहे हैं। पूर्ववादी क्या बोलते हैं, जस्मात जागृत दृश्य अन्न पान वाहनादय शु पिपाशादि निवृत्ति कुर्वन्तो गमनागमनादि कार्यम च सप्रयोजनता दृष्टाः, ठीक है ना। वे क्या बोलते हैं, क्योंकि पूर्ववादी अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए हेतु दे रहे हैं, समझाने जस्मात आप देखा कि हमारे आचार्य जो लोग जब पूर्व पक्षी के पक्ष में लिखते हैं तो उनके पक्ष में जितना युक्ति है पूरा लिखते हैं, क्योंकि जागृत दृश्य जागृत में दिखाई दे रहे हैं दृश्य वस्तु, जागृत दृश्य में भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, अन्न पान है ना, भोग्य वस्तु हमारे प्यास मिटाने वाला,
हमको वस्तु मतलब तृष्णा को मिटाने वाला, अन्न मतलब सामान्य भूख मिटाने वाला, और पानी वस्तु मतलब अपना प्यास मिटाने वाला। अन्न शब्द का व्यापक अर्थ क्या देंगे, भूख को वस्तु, और पान शब्द का अर्थ क्या, हमारे तृष्णा को मिटाने वाला, चाहत को मिटाने वाला। और वाहनादय, वाहन मतलब आवागमन करने के लिए साधन है, गाड़ी आदि क्योंकि वहाँ पे क्यों उसको बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बोला था ना तत्थान रथ योगा न पंथान, इसीलिए वाहन को भी ग्रहण कर लिया, मन में उसको रखा हुआ। वाहन मतलब देखिए कि स्वप्न यहाँ पे जागृत में हमको यहाँ से कहीं जाना है, हम किसी वाहन में बैठ के जाते हैं तो हमारा क्या हो गया, प्रयोजन सिद्ध इतना दूरी को तय कर लिया। तो अन्न पान वाहनादय क्या करते हैं, शुद्ध पिपाशादी निवृत्ति पूर्वंत, भूख प्यास को निवृत्ति 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 को करते हुए, दृश्य प्रथमा वो वचन है पूर्वंत पाठ में पढ़िए, करते हुए गमनागमनादि कार्य, उस वाहन के तरह क्या होता है गमनागमन कार्य होते हैं, गमनागमनादि का आना जाना रूपी जो क्रिया दिखाई पड़ता है वो भी चल स्वप्रयोजन दृष्टा, मतलब अपने प्रयोजन को सिद्ध प्रयोजन न सह विद्यते स्वप्रयोजन दृष्टा, जागृत दृष्टा स्वप्रयोजन दृष्टा, जागृत दिखाई वस्तु ये तो ये दिखाई पड़ते हैं हमको व्यवहार, परंतु न तो स्वप्न दृश्य नाम तदस्तु, परंतु स्वप्न में दिखाई दे रहा है वस्तु में तो ये धर्म नहीं है, स्वप्न में दिखाई दे रहा है वस्तु में ये धर्म नहीं है, कि वो जो है हमारा प्रयोजन सिद्ध भूख प्यास नहीं मिटा पाते, आवागमन भी नहीं होता, स्वप्न में बना हुआ रथ के द्वारा मैं सोच के आज यहाँ से बैठ करके मैं गंगोत्री जगह जो नहीं हो सकता, जागृत का आप रखेंगे आज देखेंगे कल उसी काम कर सकते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं न तो स्वप्न दृश्यनम तद अस्थि, स्वप्न देख स्वप्न में दिखाई दिया पदार्थ में ये धर्म मतलब स्वप्रयोजन को सिद्ध करने वाला धर्म नहीं है, ऐसा जब पूर्व तस्मात, इसलिए अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए मतलब निगमन कर रहे हैं अपने हेतु, तस्मात स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यानम असत्यम मनोरथ मात्रमिति, इसलिए ये जो आपने कहा जागृत दिखाई दे रहा है वस्तु को मिथ्या है, ये आपकी मनोरथ है, मैंने मनोकल्पित वाहन में बैठ कर कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पंत आपके सही नहीं, किसी को बोलो सब आपका विरोध में है, सही है, वेदांत तो अपने शब्द नहीं बोलते, वेदांत तो सूफी बात को स्पष्ट करते इसलिए बोलते हैं तस्मात, इसलिए क्यों, इसलिए तस्मात का अर्थ क्या है, क्योंकि ये स्वप्न दृश्य पदार्थ फलकाल पर्यंत नहीं रहता, जागृत दृश्य पदार्थ फलकाल पर्यंत रहता है, इसलिए जागृत पदार्थ स्वप्न पदार्थ जैसे नहीं है, तस्मात स्वप्न दृश्यवत स्वप्न में दिखाई दे रहा है वस्तु के समान जागृत दृश्यानाम जागृत में दिखाई दे रहा है जो पदार्थ उन लोगों को उसमें असत्य वो उसमें वो असत्य है मिथ्या है, ये देखिए ये असत्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये गड़बड़ करते हैं लोग, ये पूर्ववादी के पक्ष में लिखे हैं ना वो सस्त है वेदांत जगत को असत बोलते हैं, हम जगत को असत नहीं बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं, मिथ्या असत एक वस्तु नहीं है, मिथ्या असत एक वस्तु नहीं है, असत वस्तु कभी प्रतीति ही नहीं होती, परंतु मिथ्या वस्तु की प्रतीति होती है, अपन ज्ञान से नाश भी होता है, कि तस्मात स्वप्न दृश्य व जागृत दृश्य न असत्य मनोरथ मात्र, ये पूर्ववादी जो हम मिथ्या और असत्य को मिला देते हैं इसी भाष्य का सत्य शब्द होते हैं, ये तुम्हारी मनोरथ मात्र है, मनोरथ मात्र क्या हो गया, कल्पना, हाँ कल्पना, मन की रथ में बैठ करके जो भी कुछ बोल देते हो इसमें मनोरथ मात्र भी, यहाँ तक जो है आपका पूर्ववादी के पक्ष में लिखा है, अब सिद्धांत की बोल रहे हाँ आपने जो कहा कथन सही नहीं है, आपके आपने ऊपर जो दिखाई पड़ता है उसको आपने कहा, परंतु अंदर इसमें क्या सच्चाई छुपा हुआ है वो आपने जीवन में घटा करके देखा, आपने जीवन में घटा करके देखा, जीवन में जिस समय से तुम्हारा बॉडी आइडेंटिफिकेशन आया, जिस समय तुम अपने बुद्धि से काम करने लगा, उससे लेकर अभी तक जितने सारे वस्तु को तुम सूख पाओगे इस अभिप्राय से अपने कमरे में मकान में इकट्ठा किया किए थे, चाहे भोग्य वस्तु हो चाहे स्त्री पुत्र परिवार, किससे तुम्हें सुख मिला, यदि तुम्हें एक वस्तु से भी तुम्हारा अभिष्ट सुख मिल गया होता तो दूसरे व्यक्ति वस्तु की कामना की क्या, यानी कि जो तुम सोच रहे हुए नहीं है ये तात्कालिक मात्र है, जिस बुद्ध की अभिप्राय को लेकर के तुमने इतना सामान कमरे में इकट्ठा किया उसमें एक भी वस्तु यदि तुम्हारी अभिप्राय को पूर्ति कर दी होते तब तुम दूसरे वस्तु की इच्छा ही होती, वो आनंद जो ढूंढ रहे हो वो नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको बोलते हैं तो न आपका कथन सही नहीं है, बोलते हैं क्यों सही नहीं है, हमने तो इतना लॉजिक दे दिया अकस्मात, हम तो बाप को समझाया कि जागृतकालीन प्रयोजन का मतलब सिद्ध करता है स्वप्निक वस्तु प्रयोजन सिद्ध नहीं करता है, अस्मात जब बोला क्यों तब बोलते हैं क्योंकि अस्मात
सत्प्रयोजनीयता सत्प्रयोजनता दृष्टा ज अन्नपानादिना सा स्वप्ने विप्रतिपद्य। ये जो आपने कहा जागृत वस्तु जो है आप प्रयोजनीयता को सिद्ध करता है, आप जागृतकालीन वस्तु स्वाप्निक प्रयोजन को भी मिटा नहीं पाता। जागृतकालीन वस्तु जागृत काल के प्रयोजन को भी पूर्ण रूप से मिटा नहीं पाता। कई देखिए ना, मैं तो कई दृष्टांत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा है। और स्वप्न में तो कहीं नहीं क्या, जागृत में देखा हुआ कोई वस्तु स्वप्न में आपको साथ नहीं देता। तस्मात् सप्रयोजनीयता सप्रयोजनता दृष्टा ज अन्नपान आदिना, जो अन्नपान वाहन आदि का जो प्रयोजन आपको दिखाई देता है जागृत काल में, सा स्वप्ने विप्रतिपद्य, वो स्वप्न में विपरीत भाव को प्राप्त कर जाता है। कैसे बोलते, देखो दृष्टांत देकर के समझाना। जागरिते ही भुक्त्वा पित्त्वा च तृप्त विनिर्वृत्त तृट, यह पर ध्यान देना। जागृत काल में खा पी के पूर्ण तृप्त, और चाहिए नहीं महाराज पूर्ण है तृप्त है, परंतु उठ करके बोलेगा एक हजमोला है उसमें पान मिलेगा, यदि उससे तृप्ति होती तो फिर ये नहीं पूछता। यानी कि ये तृप्ति में इसीलिए भगवत गीता में देखा एक हजमोला का बात नहीं, आप तृप्ति क्या, यदि वो तृप्ति देता फिर आप दो घंटे बाद बोलते चाय कब चाय नहीं है रात का लिखे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं तृतीय अध्याय में, यहाँ पे कर्मयोग शिखर है, जस्तु आत्मरतिरेव से आत्मतृप्त समान आत्मन्यव च संतुष्ट तस्य कार्य बिना भी। ये तीनों चीज होना है, तीनों का भिन्नता है। जस्तु आत्मरतिरेव से, जो व्यक्ति केवल आत्मा में प्रीति है, आत्मा को आत्मा में खेलता रहता है, जस्तु आत्मरतिरेव से, तू भी बोला आगे कर्मयोग के बारे में बोलकर कर्म कौन करता है और कहाँ पे आके कर्म नहीं होता है उसको दिखाने के लिए बीच में तू, यस्तु आत्मरतिरेव से आत्मा में ही खेलता है आत्मतृप्त, बस जो है सेल्फ कंटेनमेंट उसको आत्मतृप्त समान, और क्या है आत्मा में ही संतुष्टि। मैं बोलते रति तृप्ति और संतुष्टि तीन भिन्न वस्तु है। रति मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु हमारे पास बाहरी वस्तु है, हमारी भोग्य वस्तु को देख करके हमें क्या होता है एक प्रीति उत्पन्न होती है, हम हमारे पास आने वाला होता है रति, आपको मिल गया उसको भोग किया तो आपको हो गया तृप्ति, परंतु तृप्ति होने पर भी संतुष्टि होगा ये बात नहीं है। मैं बोला ना कि पेट भर के खाया महाराज और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए महाराज पूरा हो गया, फिर भी क्या बोलते हैं कि उठ करके यदि एक पान अथवा थोड़ा एक हजमोला मिल गया, मतलब भिन्न वस्तु दिखाई पड़ने से भाव होता है, भिन्न भिन्न वस्तु जब तक भेद दिखाई पड़ेगा तब तक आपको रति प्रीति संतुष्टि अलग अलग जगह पे होगा, परंतु एक आत्मा भिन्न वस्तु और कुछ नहीं है ये भाव जब निश्चित हो जाएगा मन में उसमें खेलते रहेंगे, उसमें तृप्ति भी होगी संतुष्ट तृप्ति संतुष्टि तीनों जागृत कालीन किसी भी वस्तु में ये गुण नहीं है। जागृत कालीन किसी भी मध्य से स्वप्न में नहीं है, इस प्रकार जागृत में भी नहीं है किसी भी वस्तु। इसलिए जागृत वस्तु और स्वप्न में हमारे का बात नहीं है, देखो भगवान श्री कृष्ण अपने यहाँ बोलते हैं। इसीलिए जागृत अवस्था भी वैसे ही मिथ्या जैसे स्वप्न की वस्तु। दसमान सब प्रयोजनता दृष्टा जा अन्नपानादि नाम, जागृत काल में जो वस्तु की सप्रयोजनीयता दिखाई पड़ता है ना, अन्नपान आदि का अन्नपान आदि से कहते हैं वाहन आदि का, सर स्वप्न भी प्रतिबद्ध सब खा पी के सोया। हमको किसी व्यक्ति के साथ अपॉइंटमेंट था दिन के समय, मतलब ठीक से हो नहीं पाया, वो चिंता मन में बैठा हुआ है, अब हम देख रहे हैं बस स्टैंड में आकर के खड़े हैं, मेरे को लंबा समय से बस नहीं मिल रहा, हाँ वाहन आपका है तो बस में चढ़ा, बस आपका खराब हो गया क्योंकि मैंने एग्जैक्ट था ना, मैं समय से पहुंचू तो बस खराब हो ही जाएगा रास्ते में। तब ये जो है जैसे सपने की वस्तु अपने सब प्रयोजन तक मिटा नहीं पाता, जागृत में भी ऐसे उसको लेकर कोई सपन देख नहीं, जिसमें सब प्रयोजन दृष्टा या अन्न पाना की नाम सर सपने प्रतिबद्ध थे। जैसे आप दृष्टा तो देखा तो समझा रहे देखिए, जागरिते ही भुक्त्वा पित्ता च तृप्त, जागृत काल में क्या हुआ भुक्त्वा पित्त्वा खाया पिया फिर तृप्त हो गया, तृप्त हो गया विनिर्वृत्त तृट, मतलब तृष्णा निकल गया, विनिर्वृत्त तृट कोई तृष्णा जीवन में नहीं है जब तक ना पेट भर के खाया। अब देखिए पेट भर के खाने के बाद फिर यदि कोई पहले जमाने में थोड़ा बिस्तर यहाँ पे खाना सो जाएगा नहीं तो सो जाएगा, तो एक चीज कई चीज आप देखेंगे विनिर्वृत्त तृट आपको क्या है सारा तृष्णा मिट गया,
सोया आदमी, तो खाना तो थोड़ा अधिक हो गया, अब सोते ही क्या हो गया, अंदर से कुछ क्या सतभाग्य शुरू हुआ। अब क्या देखते हैं, सुप्त मात्र है वह, सोने के साथ साथ ही सपना शुरू हो जाता है। क्या शुरू होता है, छुत पिपाशादी आर्तम अहोरात्र उपुषता, रात भर मेरे को खाना कुछ नहीं मिला, भूखा मन था। जनक राजा को तो ऐसे ही हुआ, जनक राजा को ऐसे ही हुआ, सपने में देख रहे हैं कि ये थी भूखा, भूखे भूखे मिल जाए, खाना कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन जब इसको पूछते हैं अष्टम, इनमें कौन सत्य है, वहाँ भी मतलब दुखी हो रहा था, तो बोलो दोनों ही मिलते। किसको पूछते हैं ये अष्टम, यहाँ पे जागृत ही भुक्ता पीता च तृप्त विनिर्वृत्त शुद्ध मात्र शुद्ध पिपाशा की आर्तम, भूख प्यासा से पीड़ित होता हुआ अहोरात्र उषितम, रात भर बिताया अभुक्त बनतम आत्मान मन्नत, मैं कुछ नहीं खाया, रात भर कुछ नहीं खाया भूख, ऐसा अपने को मानते हैं। हो सकता है दो तीन मिनट बीच पूरा सपना नहीं देखा, मतलब रात भर उसका जो मैं खाना नहीं खाया भूखा, ऐसा लगता है। वहाँ पर देखिए एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ती है, कहाँ भी शुद्ध पिपाशादि आर्तम, वहाँ बोलते शुद्ध शुद्ध इत्यादि, शुद्ध पिपाशादि आर्तत्वेन अहोरात्र उषितम इति, मतलब भूख प्यास के द्वारा पीड़ित होता हुआ मैं रात भर बिताया, मैंने शुद्ध पिपाशादि आर्तत्वेन, भूख और प्यासा के द्वारा व्यथित होता हुआ मैं रात भर बिताया, इस प्रकार की भावना मन में आता है। क्यों आता है, खा पी करके सोए, यदि वो खाने पीने वाला वस्तु आपको जो है प्रयोजन प्रयोजन तो मिटा पाता, तब सपने में आप अपने को भूखा क्यों देखते हैं। इसलिए बोलते हैं कि चुप पिपाशादि आर्तम अहोरात्र उषितम अभुक्त वर्तम आत्मान मान्यता, अपने को नहीं खाया हुआ मानता है। और उसको विपरीत भी होता है, हमको सपने में किसी ने कोई बहुत वस्तु दिया, अच्छा खाना खुना सब दिया, मैंने खा पी के उठा, निद्रा टूट गया, तब तक सुबह हो गया, भूख लगी, भूख लगी। इसलिए हम बोलते हैं यथा जैसे स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा च अतृप्त उत्थित यथा, स्वप्न में बहुत अच्छा करके खाना पीना खा करके जब उठा तब देखा कि मैं भूख रहा तृप्त तृप्त नहीं है, उठ जाता। ऐसा सापनिक वस्तु जागृत प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर, कुछ जागृत वस्तु सापनिक वस्तु के प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता। और दोनों ही यदि आपको लगता है जागृत वस्तु आपको तात्कालिक कुछ प्रयोजन का सिद्ध करता है, सापनिक वस्तु को तत्काल भी करता है, तत्काल भी करता है। इसलिए आप ही बोलते हैं प्रातिभाषिक वस्तु से भी व्यावहारिक सुख की अनुभूति होती है, यथा सपने भूखा पीता च अतृप्त उत्थित तथा तस्मात जागृत जागृत दृश्यानाम, तस्मात जागृत दृश्यानाम सपने विप्रतिपत्ति दृष्टा, इसलिए जागृत काल में दिखाई दिया जो दृश्य वस्तु स्वप्न काल में उसका विपरीत भवन अभाव, उसका जो अप्रयोजनीयता सिद्ध हो जाता है, दृष्टा ये सबका अनुभव में आता है। अतः इसलिए मन्यामहे, इसलिए हम लोगों की ये मान्यता है, मन्यामहे हम लोगों की ये मान्यता है, तेषां मतलब जागृत भावानाम अपि असत्यम, जागृत भाव में भी जागृत प्रयोजनीय वस्तु में भी वे पारमार्थिकता नहीं है, असत्यम स्वप्न दृश्यवत स्वप्न में दिखाई दे रहे वस्तु के समान अनाशंकनीय, इस विषय में तो कुछ शंका होने का संभावना अनाशंकनीय सिद्धांत। अतः मन्या महेश्वर हम लोग मानते हैं तेषाम जागृत भावानाम अपि असत्यम, वहाँ पर पारमार्थिक सिद्ध सत्यता नहीं है। टिप्पणी कर बोलते हैं यहाँ पर अपि आया हुआ है, वो अपि शब्द एवकार अर्थ में आया हुआ है, बोलते हैं अपि अवधारणार्थम, अपि शब्द का अर्थ क्या है, दो नंबर टिप्पणी, अवधारण मतलब एवं निश्चित ही ऐसा ही है, परंतु असत्यम इत्यनंतरम संबंध थे असत्यम एव तेषाम असत्यम एव, अभी को बीच में लिखा तो सामान्य रूप से इसको पढ़ेंगे मतलब जागृत काल के वस्तु भी मिथ्या है, अपि शब्द भी अर्थ में आता है, ये जागृत कालीन वस्तु भी, यह भी क्यों बोला, जैसा स्वप्न में मिथ्या है ऐसा जागृत में मिथ्या है। टिप्पणी का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जागृत भावना तेषाम असत्यम एव निश्चित निश्चय करो, भाष्यकार की पंक्ति में आपके का साधारण अर्थ जो होता है तो भी देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वप्न की तरह जागृत की वस्तु मिथ्या है। टिप्पणीकार बोलते हैं कि असत्यम एव तेषाम असत्यम एव, अपने का अर्थ क्या होता है एव, अगर कहाँ बैठना पड़ेगा असत्य के बाद में बैठना पड़ेगा, इसलिए हम बोलते हैं अपि अवधारणार्थ असत्यम इति अनंतरम संबंध, उसका अन्वय कहाँ पर करना पड़ेगा असत्यम के बाद, उसको अन्वय करो तब देखो अर्थ लग जाएगा।
अतः मरनाम हितेशम असत्यमेव तेषाम जागृत भावानम असत्यमेव स्वप्न दृश्य व स्वप्न में दिखाई दे रहे वस्तु के समान अनाशंकनीय इसके ऊपर कोई शंका ही नहीं होता। तस्मात् अद्वंतवत्तम उभयत्र समानम इति मिथ्यैव खलु ते स्मिता, क्योंकि वहाँ के आदि अंत वाला जो भाव वस्तु है वो जागृत में स्वप्न में दोनों जगह के लिए लाभ हो जाता है। तस्मात् तस्मात् तीन नंबर टिप्पणी द्वयोरपि हेतुः सोपाधिकत्व अभावात् इति अर्थ। वहाँ पे जो दोनों जो आपने हेतु दिया, पहले दिया था क्या आपका दृश्यत्व जड़त्व, ये अभी क्या हेतु दिया आपने अद्वंतवत्व, ये औपाधिक हेतु नहीं है, मतलब ये उपाधि कुछ नहीं है यहाँ। इसलिए तस्मात् द्वयोरपि हेतुः सोपाधिकत्व अभावात् अद्वंतवत्वम उभयो समान, दोनों जगह पे आदि अंत उभयत्र समान इति, इसलिए मिथ्यैव खलु ते स्मिता देश कह देंगे मिथ्यैव, ऐसा शास्त्रकार अथवा विद्वान का ऐसा स्मरण है। यहाँ तक हो गया भाष्यकार ने देखे परंतु समान सुनना, परंतु यहाँ पे पूर्ववादी ने जो मतलब सत्प्रयोजनता के अभाव यहाँ पे बोले थे ना फल पर्यंत अभाव ये उपाधि दिया था, फल पर हमारा अनुमान क्या था जागृत मिथ्या आद्यंतवत्व स्वप्नवत्व, ठीक है जागृत मिथ्या है आदि अंत वाला होने के कारण स्वप्न का स्वप्न। पूर्वादि क्या बोलता है नहीं नहीं आपका अनुमान उपाधि दोष के द्वारा ग्रसित है, उपाधि क्या है फल पर्यंत अभाव, फल पर्यंत अभावत्म ये उपाधि। देखो फल पर्यंत अभावत्म को पूर्ववादि के अनुसार वो आपका दृष्टांत में बैठ जाएगा, स्वप्न में बैठ जाएगा, और जो है जागृत में जो है वो नहीं बैठेगा, कौन फल पर्यंत अभावत्व जागृत में नहीं बैठेगा। तो क्या हो गया दृष्टांत में बैठने से क्या साध्य व्यापक साधन अव्यापक मतलब जहाँ पे हेतु बैठे वहाँ पे नहीं बैठे, ये घट जाते हैं। ये पूर्ववादी ने कहा, इसको देखो लिखते हैं स्वप्न मिथ्यत्व अद्वंतवत्त न भवति किंतु फल पर्यंत अभाव जागृत फल पर्यंत न मिथ्यत्व आशंक्य श्लोक फल पर्यंत राहित्य उपाधि है ना। आप किसी उपाधि आपका आपने तो घटा करके दिखाया परंतु उपाधि यथार्थ उपाधि नहीं है, उपाधि आपने गलत दिया, उसको दिखाने के नाम पर क्या करना पड़ेगा कि साधन की व्यापक दिखाना पड़ेगा, साध्य व्यापक सति साधन अव्यापक होना चाहिए, परंतु हम क्या दिखाएंगे ये साधन के साथ व्यापक है तब तुम्हारी उपाधि सही नहीं है। उसको ये बोलते हैं यहाँ पे फल पर्यंत राहित्य उपाधि साधन व्यापक के फलितम आह, ये साधन का अव्यापक होना चाहिए था परंतु साधन का व्यापक हो जाएगा। फल पर्यंत रहित जो उपाधि है इस उपाधि का फल पर्यंत नहीं रहता, इस प्रकार जो आपने हमारे अनुमान में उपाधि दिए थे उस उपाधि का साधन व्यापक थे उस साधन के साथ व्यापक हो जाता है, साध्य के साथ व्यापक होते साधन के साथ व्यापक होता है, इसलिए क्या होगा इसलिए मिथ्य तस्मात आद्यंतवत्ते न मिथ्यैव खलु ते स्मिता, जागृत वक्त वो भी मिथ्या। यहाँ पे जागृत भावा ये जो ते शब्द है ना यहाँ पे बड़े छंद जागृत दृश्य भावा बहु क्या गृह्यंते, टीका में मिलेगा आपको जागृत दृश्य भावा बहुक्त्या गृह्यंते, बहुत पांच नंबर टिप्पणी देखो बहुक्त है ते इति अनया इति अर्थ, ठीक है ना कहाँ आया ते शब्द मिथ्यैव खलु ते स्मृता, ये क्या है प्रथम बहुवचन, ये बहुवचन बहुत मतलब बहुवचन के कथन के द्वारा, ठीक है जागृत दृश्य भावा जागृत में दिखाई दे रहा भाव वस्तु बहुवचन के द्वारा मतलब बहुक्ता ते शब्दों के द्वारा उसको ग्रहण होगा, ठीक है ना गृह उसको ग्रहण क्यों होगा, नहीं तो आप खुद रहते क्या बोल रहे हैं बहुक्ता है ना, ये ते पद श्लोक में आया हुआ है ते प्रथम बहुवचन है उस ते पद के द्वारा जागृत दृश्य भावा को, क्योंकि हम हमेशा बोला देखो कहीं कोई प्रोनाउन आता है वो किस को रेफर करते हुए कर टिप्पणी करते हैं परस्तर छोड़ दिया जागृत दृश्य भावा को बहुक्ता पे। अब जो है इस श्लोक के द्वारा किस शंका का निराकरण किया, सत्प्रयोजनता स्वप्निक वस्तु के द्वारा सिद्ध नहीं होता है जागृत का द्वारा होता है, इसलिए जो है जागृत स्वप्न के द्वारा मिथ्या नहीं है, इस प्रकार की जो शंका उठाया था उस शंका को निराकरण करने के लिए इस श्लोक कहते हैं श्लोक उपाधि शंका उत्थापयति, श्लोक के द्वारा निराकरण करने के लिए जो आपका अनुमान उपाधि के द्वारा ग्रसित है इस शब्द को निराकरण करने के लिए आगे भगवान भाष्यकार बोलते हैं, भगवान भाष्यकार बोलते हैं ठीक है। अब ये जो स्वप्न प्रतीका या भाष्य का प्रतीक है टीका में जो स्वप्न प्रतीका ये प्रतीक कहाँ होगा
भाष्य में भाष्य श्लोक से व्यवर्तम उपाधि शंका उत्थापित, श्लोक के द्वारा निराकरण करने जो कुछ उपाधि रूप जो शंका था उसको उत्थापन करके भगवान भाष्यकार दिखा दें। स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यानम अपि अशक्तमिति यदुक्तम तत् अयुक्तम, भी शंका करने वाला बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी फिर दसमा क्योंकि आपने आप जागृत दृश्य अन्नपान बहानादय चुप पिपाशादि निवृत्ति पूर्वत गमनागमनादि कार्यों सब प्रयोजनता दृश्य कार्य विश्व में दिखाई पड़ता है। आप देखिए टीकाकार बोलते हैं कि जागृत टीका जागृत दृश्यानाम इव स्वप्न दृश्यानाम अभी जागृत में दिखाई दे रहा है वस्तु के समान स्वप्न में दिखाई दे रहा है वस्तुओं का भी तुल्य स्वप्रयोजन इति उपाधि, जैसा जागृत दृश्य वस्तु में जागृत दृश्य अपनी स्वप्न दृश्य अपनी तुल्य स्वप्न, जितना जागृतकालीन वस्तु जितना प्रयोजन को सिद्ध करता है स्वप्नकालीन वस्तु उतना ही प्रयोजन सिद्ध, जागृतकालीन वस्तु जागृतकालीन थोड़ा प्रयोजन सिद्ध करता है स्वप्नकालीन वस्तु स्वप्नकालीन जागृत जागृतकालीन वस्तु स्वप्न में काम नहीं है स्वप्न जागृत में काम नहीं है, इसलिए होता है जागृत दृश्यानाम इव जागृत में दिखाई दे रहे वस्तु के समान स्वप्न दृश्यानाम अपनी स्वप्न दृश्य वस्तु का भी तुल्यम स्व प्रयोजन, वो भी अपना जो है प्रयोजन को उतना उसका भी सिद्ध कर ही देता है प्रयोजन इति उपाधि असंभव, इसलिए उपाधि की जो आपने दिया था वो होना संभव नहीं है, इसमें आशंका आहत उसको मन में रखते हुए उत्तर देते हैं नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, स्वप्नकालीन वस्तु प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता है, न तो स्वप्न दृश्यानाम तद अस्थि है ना, उदय स्वप्न दृश्य में ये प्रयोजन सिद्ध करने का भी अवस्था नहीं है। टीका में बोलते हैं अनुमान से सोपाधिकत्व असाधकत्व फलितम, पूर्ववादी के पक्ष में लिखा टीका अनुमान जो है सोपाधिक अनुमान है, मतलब आपका व्याप्ति सिद्ध नहीं है, इसलिए अनुमान से सोपाधिकत्व अनुमान उपाधि के दोष के द्वारा ग्रसित होने के कारण असाधकत्व जगत मिथ्यात्व असाधकत्व जगत मिथ्यात्व सिद्ध नहीं कर पाएगा। क्यों, आपने क्या बोला था अद्यंतवत्व प्रयोजन अप्रयोजनवत्व ये बोलना पड़ेगा, इसलिए आपका अनुमान जो उपाधि दोष के द्वारा ग्रसित होने के कारण अनुमानस्य सोपाधिकत्व असाधकत्व किम असाधकत्व जगत मिथ्यात्व असाधकत्व जगत मिथ्यात्व सिद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए फलितम आहस्य मन में रखते निष्कर्ष को कहते हैं फलित तस्मात स्वप्न दृश्य पर जागृत दृश्यानाम असत्व मनोरथ, इसलिए जो आपने कहा स्वप्न दृश्य दिखाई देना वस्तु के समान जागृत में दिखाई देना वस्तु भी असत है, ये आपका एक मनो ये भी कल्पना है मनोरथ मात्र है, ये कोई आपका यथार्थ सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार से पूर्ववादी कहने पर हेतु सोपाधिकत्व दूषी है, हमारा हेतु मतलब व्यक्तित्व असिद्धि दोष के द्वारा असिद्धि तीन प्रकार है स्वरूप असिद्धि अस्थि असिद्धि व्यापत्व सिद्धि, व्यापत्व सिद्धि का ही दूसरा नाम है सोपाधिक हेतु, मतलब व्यक्ति सही नहीं है। ये जो आपने कहा हेतु और सोपाधिकत्व हेतु में उपाधिकत्व धर्म बैठा हुआ, ये जो आपने कहा उसको दूषित कर रहे हैं और चिंतन विखंडन कर खंडन कर, क्या बोला तब न आपका ये कथन जो आपने हमारे इसको समझ नहीं पाया ठीक से विचार किए बिना आप बोल रहे हैं। तन्न अब देखिए आप अनुमान मैंने व्याप्यत्व असिद्धि में आप यदि सोपाधिक हेतु भी आपने दोष दिया तो यदि आपका उपाधि सही नहीं है दिखाना होगा तब तो आपको क्या करना पड़ेगा साधक का व्यापक ही दिखाना हेतु के साथ इसका व्याप्ति दिखाना पड़ेगा तब जाकर के आपका उपाधि सही नहीं है ये कहना है। ठीक है ना, इसे बताए साधन व्याप्त्यादि दोषाद वृते न उपाधि निरसनम सुशकम इति आ। ठीक है, देखिए आनंद गिरी जी जैसा शंका उठाया मतलब उपाधि दोष के द्वारा इसी प्रकार इसका निराकरण भी कैसे वो रास्ता क्यों दिखा, तो यदि आपने मैंने कोई अनुमान किया तो उस अनुमान में आपने क्या किया उपाधि दोष किया, तो आपका उपाधि जो आपने दिया ये सही नहीं है, यदि ये आपको कहना है तो टेक्निकली आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो है हेतु के साथ इसका व्याप्ति है, हेतु के साथ जिस प्रकार साधन साध्यों के साथ भी व्याप्ति है हेतु के साथ भी इसका व्याप्ति है, इसलिए आप बोलते हैं साधन व्याप्त्यादि दोषादि साधन के साथ इसकी व्याप्ति है, इस दोष को दिखाए बिना इस दोष को दिखाए बिना न उपाधि निरसनम उपाधि का निरसन सुशकम यह आसान नहीं होता, आपको दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा कि आपको हेतु के साथ आपका जो उपाधि हेतु और उपाधि में व्याप्ति बैठा हुआ, यदि आप ये दिखा देंगे तब आपको उपाधि सही होगा, यह अभिप्राय से बोलते हैं। ये देखिए रीति शब्द आते हैं, रीति शब्दों की जगह तीनों विभक्ति हो सकती है, द्वितीय विभक्ति बिना के तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति,
यहाँ पे पंचमी लगा साधन व्याप्त्यादि दोषाद भी साधन व्याप्त्या के दोषाद भी मतलब बिना दोषाथवा दोषे न बिना दोषे न भीते ऐसा भी बोल सकते अथवा दोषाद भीते न उपाधि निरसनम सुशकम उपाधि को निराकरण करना अथवा खंडन करना आसान नहीं होगा। इसको मन में रखते पूर्वादि होता है कैसे हमारी उपाधि ठीक नहीं है अकस्मात ये प्रति हो। अब जो है उत्तर देने के लिए भाषण आमदिगिरी जी बोल रहे हैं फल पर्यंतता विरहित उपाधि साधन व्याप्ति आह। आपने उपाधि क्या दिए थे फल पर्यंतता विरहित फल पर्यंत राहित हम दिए थे ना फल पर्यंत अभावा है ना इसी को हम दूसरा फल पर्यंतता विरहित उपाधि जो आपने उपाधि दिया था फल पर्यंत को नहीं रहता इसमें साधन के साथ इसका व्याप्ति है। हेतु क्या था हमारे जहाँ जहाँ अद्यंत वक्त है ना तो जो आपका मतलब प्रयोजन निभा नहीं पाता वो आदि अंत वाला है। जो आपका सब प्रयोजन निभा नहीं पाता वो आदि अंत वाला है आदि अंत वाला है। देखिए जिस प्रकार ये सपनों में एक चीज और ध्यान रखना सपनों के मिथ्यात्व तो क्या होते हैं मैं आगे के थोड़ा सा मतलब मन में रख करके बोल रहा हूँ आगे बोल रहा सपनों मिथ्या क्यों है क्योंकि संस्कार जन्म लेता है। क्या बोलते उसको संस्कार से संस्कार जन्म लेता है। अब देखिए जन्मांतरीय संस्कार से हमने क्या किया कि जागतिक वस्तु में सत्यत्व भावना बैठा संस्कार जन्म आपने मान ये तो माने क्या कि जो हम जागृतकालीन अनुभव का जो संस्कार है उसका नाम सपना देते हैं। इसी प्रकार जागृतकालीन व्यवहार भी तो संस्कार से हो रहा है पता कि नहीं हो रहा है जागृतकालीन वर्तमान व्यवहार किससे हो रहा है आपका जन्मांतरीय काल में संस्कार तो संस्कार जन्मांतरीय स्वप्न के लिए मिथ्या तो जागृत के लिए मिथ्या क्यों नहीं किसी भी जगत का जागृत वस्तु में कहीं पर आपने किसी में पुत्र आपने जन्मांतरीय संस्कार से ये मेरा पुत्र कल्पना कर लिया ये मेरा गुरु राम कल्पना कर लिया ये तो संस्कार जन्म ही है तात्कालिक अज्ञान अवस्था में बैठ करके स्वयं कल्पना करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं देखिए व्यक्ति को दिखाएंगे अभी क्या फल पर्यंत अविरहित तो उपाधि साधन व्यक्ति अभाषण जस्मात् सब प्रयोजनता दृष्टा जा अन्न पान आदि नाम सा स्वप्ने भी प्रतिबद्धते जो आपने जागृतकालीन वस्तु की सब प्रयोजनीयता आपको दिखाई दे रहा है वो आपका स्वप्न में उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता है। ऐसा स्वप्निक वस्तु जागृत काल में काम नहीं आने के कारण आप स्वप्निक वस्तु को मिथ्या बोलते हो। इसी प्रकार जागृतकालीन वस्तु भी तो अपने जो है स्वप्न काल में प्रयोजन को मिटा नहीं पाता इसलिए जागृतकालीन वस्तु को आपको मिथ्या बोलना चाहिए। इसका कोई भी बात इसका उल्टा उल्टा भी बोलती है क्यों ऐसा बोलेंगे आपने क्या कहा था ग्राह्य कारण भाव जहाँ होता है वहाँ पर मिथ्या होता है हमें तो व्यवहार कर्म सब ग्राह्य कारण भाव है हमारा अनुभव है जागृत सत्य है इसलिए जहाँ जागृतकालीन इस छोटा ग्राह्य ग्रह भाव है स्वप्न में वही सत्य होना चाहिए कोई बात इस युक्ति के तरह सत्य को भी सत्य मानना चाहिए तो परंतु और आप अपने अनुभव जो बोलते हैं स्वप्निक वस्तु सत्य नहीं है तो आप मानते अब जो है यदि स्वप्निक वस्तु संस्कार जन्यता के कारण आप उसको सत्य नहीं मानते हो जरा खूब गहराई से विचार करके देखो तुम्हारा जागृतकालीन व्यवहार भी संस्कार जन्य नहीं हो रहा जहाँ कहीं भी जो आपने इस वस्तु को मेरापन लगा दिया वो कैसे है संस्कार से और वही आपका लिए दुख का हेतु है इसलिए बोलते हैं यहाँ पे यस्मात् सब प्रयोजन निष्ठा कर तो मैं वही बोल रहा हूँ भगवान भाष्यकार तो थोड़ा उदार होकर के जागृतकालीन वस्तु स्वप्न में काम नहीं आता इसलिए मतलब आप स्वप्निक वस्तु जागृत में काम नहीं आता इसलिए मिथ्या कहते हो जागृत में मैं बोलता हूँ स्वप्न तक जाने की आवश्यकता नहीं है जागृत काल में देख लो जागृत काल में देख लो कि जागृतकालीन वस्तु आपका पूरा प्रयोजन तो मिटा नहीं पाता तात्कालिक थोड़ा वो मिटा देने पर भी फिर वो तृष्णा हो जाता है फिर वो दुखी कर देते हैं इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि आप ये जागरित ही उसको दृष्टांत तो देकर के समझा रहे भगवान जी ताम एवं विप्रतिपत्ति प्रकट होगी उसी में तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा साधन व्याप्ति कैसे दिखाएंगे जहाँ जहाँ जद जद अद्यंतवत्यम तत्फल पर्यंत रहित ये व्याप्ति हो जो आदि अंत वाला होता है वो फल पर्यंत स्थिर नहीं रहता ठीक है जो आदि अंत वाला होता वो कोई फल जहाँ तक जिस काल में आपको फल इसीलिए तो आप देखिए कर्मकांड में भी ये जो है आप इस समय कर्मकांड के शास्त्रीय कर्म का भी वही विनाश हो जाएगा फल देगा लोकांतर में कारण मजबूर होकर के उनको एक अपूर्व मानना पड़ा बिना ईश्वर मानना
यानी कि जागृत काल में गुरु का मंत्र किया तो आपका पूर्ण सब प्रयोजन नहीं मिटाना, दूसरे की मदद से मिटाना है, दूसरे की मदद से मिटाना। हाँ, कोई भी कर्मफल तो ऐसे ही होता है। इसीलिए जो आपका प्रयोजन, हमने एक इस वस्तु को प्राप्त करूंगा इस इच्छा से हमने किसी कर्म को किया, वरना हमारे हाथ में रहते ही नहीं, प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता। जागृत काल में बैठ करके जागृत वस्तु में जितना सोचते जाएंगे ना, आपका मिथ्यात्व तो पक्का हो जाएगा। जागृत काल में बैठ करके जागृत वस्तु को लेकर के थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे, आपका मिथ्यात्व तो निश्चय होगा। एक जो है यहाँ पे इसी को भगवान श्री कृष्ण एक छोटे शब्द से बोले, क्या बोला, आद्यंत मंत्र को होते एक पुष्ट पद का जो नव मंत्र में बोलते न तेषु रमते कुथे किथर गया अनित्यम असुखम लोकम, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भविष्य। सारा आप संसार में कोई भी वस्तु व्यक्ति कोई काम को करता है, वो चाहता है कि मुझे इसको सुख मिले, कोई भी व्यक्ति दुख मिलेगा इस भावना से कोई नहीं करता, परंतु भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, असुखम लोकम, देखो तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध करने वाला नहीं, तो इससे क्या सिद्ध किया कि जागृत वस्तु भी वो प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाते, मिथ्या है। आप यदि ठीक से इसमें न जागृत काल में बैठ करके जागृत वस्तु को लेकर ही विचार करें, सात्विक वस्तु को दूर में रहने दीजिए, जागृत को लेकर के विचार करें, कई जगह पर व्यवहारिक जगत में देखें, तो आपको निश्चय हो जाएगा अरे इसमें भी पारमार्थिक प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता, व्यवहारिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं कर पाता, पारमार्थिक प्रयोजन कहाँ से सिद्ध करेगा, व्यवहारिक प्रयोजन पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि फल पर्यंत अविरहित तो उपाधि साधन व्याप्ति, तो साधन व्याप्ति कैसे दिखाएंगे, देखो यस्मात् सत् प्रयोजनता दृष्टा जा अनुमानता स्वप्ने विपत्ति पर्यंत, मतलब जब आद्यंत वक्तम तत् फल पर्यंत विरही, जो आदि अंत वाला है वो फल देने तक नहीं रहता, जिस फल का क्या, ठीक है ना, ये हो गया साधन के साथ व्यक्ति, ठीक है ना, हेतु के साथ व्यक्ति, ताम एव विप्रतिपत्ति प्रकट की जो विरुद्ध धर्म जिसको स्पष्ट करके कहते हैं एक दृष्टांत के द्वारा समझा दें, जागरिते ही भुक्ता पित्ता च तृप्त विनिवृत्त त्रिट, ये विनिवृत्त त्रिट प्रथम एक वचन है, ठीक है ना, एक मतलब जिसका तृष्णा मिट गया उस व्यक्ति को भी समस्या, त्रिट सुप्त मात्र एव छुप पिपाशादि आर्तम अहोरत्न उषितम अभुक्तवंतम आत्मान मन्यते, यहाँ पर समझा दें। देखो जागृत कालीन वस्तु आपने खा पी करके खूब अच्छी तरह से खाया पिया सोया, परंतु आपने स्वप्न में देखते हैं कि मैं रात भर बिना खाए पिए कष्ट हो गया, इसलिए आप बोलते हैं वो अपना प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाते। उत्तम अर्थम दृष्टान्त स्पष्ट रहते मतलब उसी को जो है एक अस्पष्ट दृष्टान्त देकर के समझा रहे, यहाँ पर आपको समझना कठिन पड़ता है, परंतु यहाँ पर तो समझ में आ जाता है, स्वप्न में खा पी करके उठा, सपने में खा पी करके उठा को परंतु जो है जागृत काल भूखा जगते भूख लग जाते हैं, इसलिए बोलते हैं जथा सपने भूखता पिता च अतृप्त उत्थित, सपने में खा पी करके जब जगता हूँ तो अतृप्त होकर जागृत में भी आप देखना है, मतलब अपने विचार किसी भी भोग वस्तु को भोग करने के बाद अब जब उठेंगे तो अतृप्त होकर के उठेंगे कि मेरा सारा सामर्थ्य उचित हो जाए, मेरा सारा सामर्थ्य मुझे विवेक विवेक और वैराग्यवान व्यक्ति के अंदर ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि कोई भी भोग को वस्तु चाहे खान पीन हो कोई हवा वस्तु वो हमारे सामर्थ्य को हमारी विवेक वैराग्य के जो बल है ना उस सामर्थ्य को विषय कर, यदि भोग वस्तु के सामने मन एक बार झुक जाता है तो आपका वैराग्य जो है अपने मन में आप अपने को डालने लगता है अपने इसके साथ झुका कैसे ऐसा होता है। इसलिए बहुत अच्छी मतलब जागृत का भी बैठ के साधना है, पहले भाषाकार बोलते हैं जागृत को सब में बनाना है, बिल्कुल मिथ्या तो हर व्यवहार में आपको निश्चय रहना चाहिए, यथा भुक्ता पीता च तृप्त वृत्ति का तथा, इस प्रकार से क्या हो गया उपाधि साधन व्यक्ति निगम, इस प्रकार उपाधि के साथ हेतु का व्यक्ति दिखा दिया, उपाधि के साथ हेतु का उपाधि क्या दिया था वहाँ पे फल पर्यंत विरहित, और हमारा हेतु क्या था आद्यंतवत्त, तो आद्यंतवत्त और फल पर्यंत विरहित में व्यक्ति दिखा दिया, ठीक है ना, मतलब ये प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाते जागृत वस्तु स्वप्न में स्वप्न वस्तु जागृत में, इसलिए हमारा ये जो आपने क्या बोला था कि जब तक आपने हेतु के साथ उपाधि का व्याप्ति नहीं दिखाएंगे तब तक उपाधि गलत है ये नहीं कह सकते आप, अब दिखा दिया इसीलिए उपाधि सही नहीं, इसी उपाधि साधन व्यक्ति नहीं, तस्मात
जाग्रत दृश्यानाम सपने विप्रतिपत्ति दृष्टा, जाग्रतकालीन वस्तु को सपने में विपरीत भाव को प्राप्त करते हुए देख करके अतो मन नाम है इसलिए हम निश्चय करते हैं तेषा मध्य असत्यम। जाग्रत भाव वस्तु में कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं, पारमार्थिक नहीं है। स्वप्न दृश्य वस्तुवत स्वप्न में दिखाई देता वस्तु के समान अनाशंकनीय। इस विषय में फिर शंका मंदे की भाष्य करती है, क्योंकि आपको संशय विपर्य से रहित ज्ञान होना चाहिए, संशय विपर्य से रहित ज्ञान होना चाहिए। आपने ध्वज पिछले जब यहाँ सुनते हैं ना तो बिल्कुल लगता है कि सही बोलते, बाहर जाके कोई कुछ बोल देगा तुरंत हमारे मन विपरीत भावना में लगता है। ये विचार जितना हम विचार करते जाएंगे, हम लड़ाई किसी से नहीं करेंगे, पर अपनी भावना से निरंतर नहीं हटा, अपने निश्चय से नहीं हटे, ये अभिप्राय। इसलिए भगवान भाष्कर एडिशनल एक शब्द जोड़ दिया, अब न आशंकनीय अनाशंकनीय, मतलब इस विषय में कोई शंका नहीं होना चाहिए, संशय विपर्य से रहित ज्ञान होना चाहिए। जागृतकालीन वस्तु मेरा कोई भी प्रयोजन को मिटा नहीं सकता, बस इतना ही। हेतु टीका में हेतु शोफाधिकत्व अभावे, मतलब हेतु में व्याप्ति, व्याप्ति में असिद्धि नहीं है। हेतु शोपाधिकत्व अभावे, उपाधिक हेतु नहीं है, ये शोपाधिक नहीं है, अभावे फलितम। अब निष्कर्ष क्या निकला, अतो मन नाम है तेषाम अपि असत्यम, तेषाम असत्यम एव। इसलिए देखो टीकाकार जो टिप्पणी कर दे ना, अपि का अर्थ एव कर दिया, मतलब संशय विपर्य से रहित ज्ञान होना चाहिए, निश्चय ज्ञान होना चाहिए, मिथ्या ही है, मिथ्या ही है। अतो मन नाम है तेषाम अपि असत्यम स्वप्न दृश्यवत। अतः हेतु द्वयम् उपसंहरति, इस प्रकार दोनों प्रकार के जो दृष्टा दिया भी हेतु दिया उसको अहत उपसंहार करते हैं। तस्मात आद्यंतवत्त उभय जागृत स्वप्न में, दोनों में है ना, आद्यंत वाला जागृतकारी वस्तु भी है, स्वप्नकारी वस्तु आद्यंतवत्त उभय समान, दोनों जगह में समान होने के कारण मिथ्या एव खलु निश्चित ही जागृतकारी वस्तु स्वप्न का दोनों ही मिथ्या है, ऐसा मतलब एवो और खलु एक ही मतलब, एव और खलु सामान्य रूप से एक ही होता है। कभी कभी एव अवधारणार्थ खलु प्रसिद्धि का दो तो कहें, जब दोनों यहाँ पे एक शब्द आ गया, एक एव हो गया अवधारणार्थ, खलु हो गया प्रसिद्धि का दो, ये जनता भी प्रसिद्ध नहीं है, परंतु कहाँ प्रसिद्ध है, शास्त्र प्रसिद्धि है। यहाँ पे ये आपको दोनों शब्द का हिंदी एव एक खलु किल बाबर एव ये शब्द बाप का अलंकार बोलती है ना, यहाँ पे दोनों शब्द प्रयोग करते हैं, मिथ्या एव खलु, खलु मतलब क्या है, निश्चित है, ये प्रसिद्धि है, ये प्रसिद्धि है, इसलिए आप कहते हैं यहाँ पे हे मित्र प्रसंग खलु तेज में ऐसा स्मरण किया जाता है इस प्रकार से आज मान ही रखे। ये तो अब आज कहाँ शुरू करेंगे, पीछे में पहला वाला, पहला अजमपि योनियोगं प्रारब्धैश्वर्ययोगा अगति च गतिमत्तां प्राप्तदेकं ध्येयेन विविधविषयधर्मग्राहिमुद्देशानां प्रणतभयविनन्दिनी ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि।